यूपी की इन 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हार तय। पहली लोकसभा सीट है मैनपुरी की। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही है। हाल ही में मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव ने भाजपा प्रत्याशी को 3 लाख के करीब वोटों से हराया था। दूसरी लोकसभा सीट है आजमगढ़ की। आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर सपा कई बार चुनाव जीत चुकी है और यहां पर मुस्लिम और यादव मतदाता के चलते इस सीट पर MY समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में आता है और इस सीट पर सपा का पलड़ा काफी भारी है। इस सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं तीसरी लोकसभा सीट है कन्नौज की। कन्नौज लोकसभा सीट भी सपा का गढ़ कहा जाता है। इस सीट पर अखिलेश यादव लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं इस सीट पर डिंपल यादव भी सांसद रह चुकी हैं। 2024 में अखिलेश यादव इस सीट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिसके चलते इस सीट पर भी सपा का कब्जा होगा और भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। चौथी लोकसभा सीट है गाजीपुर की। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी से इस बार बाहुबली अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में उतरेंगे। अफजाल अंसारी का गढ़ माना जाता है गाजीपुर। यहां पर अंसारी परिवार का बड़ा दबदबा है, जिसके चलते 2024 में भी इस सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं पांचवी लोकसभा सीट है संभल की। संभल लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल सीट माना जाता है। सपा ने अपने वर्तमान सांसद शफीकुर रहमान को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। शफीकुर रहमान बर्क 5 बार सांसद रह चुके हैं। 93 वर्ष के शफीकुर रहमान का जिले की राजनीति में बड़ा दबदबा है। यह सीट भी भाजपा का हारना तय माना जा रहा है। वहीं छठी लोकसभा सीट है मुरादाबाद की। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद हैं डॉक्टर ST हसन। 2019 में भाजपा की लहर में ST हसन ने चुनाव जीता था और इस बार भी उनका पल्ला भारी दिख रहा है और भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। सातवीं लोकसभा सीट है अमेठी की। अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे। अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हालांकि पिछली बार 2019 में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार 2024 में अमेठी की जनता राहुल के पक्ष में दिखाई दे रही है, जिससे यह सीट एक बार फिर कांग्रेस जीतेगी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं आठवीं लोकसभा सीट है बदायूं की। बदायूं से धर्मेंद्र यादव 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं धर्मेंद्र यादव। अब बदायूं में वह काफ़ी लोकप्रिय हैं। 2024 में बदायूं में सपा का कब्जा एक बार फिर होगा और इस सीट पर भी भाजपा की हार तय है। नौवीं लोकसभा सीट है रायबरेली की। रायबरेली से वर्तमान सांसद हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इस सीट से कई बार सांसद रह चुकी हैं। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, उनकी जगह प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी, जिसके चलते यह सीट भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं दसवीं लोकसभा सीट है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव चुनाव मैदान में उतरेंगे। अक्षय यादव फिरोजाबाद से पूर्व सांसद रह चुके हैं। यह सीट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। भाजपा को यहां भी हार का सामना करना पड़ेगा। यूपी की ऐसी 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पर भाजपा की हार तय मानी जा रही है।